आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। विदिशा में बोरवेल में गिरे 7 साल के मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मासूम मंगलवार सुबह 11 बजे बोरवेल में गिरा था। रात भर बोरवेल के पास गड्ढे की खुदाई की गई। गड्ढे के अलावा 5 फीट की गहरी सुरंग बनाकर बच्चे को निकाला गया। बच्चे को निकालते ही एम्बुलेंस में लटेरी के अस्पताल में ले जाया गया। बता दें कि सुबह 11 बजे बच्चा खेत में बने बोरवेल में गिर गया था। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मंगलवार सुबह 11:30 बजे से रेस्क्यू में जुटी थी। घटना जिला मुख्यालय के लगभग 100 किलोमीटर दूर सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि 60 फीट गहरे बोरवेल में मासूम 43 फीट की ऊंचाई पर फंस गया था। वहीं बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बोरवेल के समांतर 50 फीट की गहरी खुदाई की गई। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि विदिशा जिले के लटेरी तहसील के खेरखिंडी गाँव में 7 वर्षीय मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है और उनके संपर्क में भी बना हुआ हूँ। रेस्क्यू टीम बच्चों को सुरक्षित बचाने हेतु प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मासूम की सकुशलता की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।